जवाब दीजिए डॉक्टर अजय, यहाँ पर दो नेताओं का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात कर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर रहे हैं, अपने टाइम पर भूल जाते हैं झारखंड। डॉक्टर अजय, झारखंड जी ने जो बात रखी है स्पष्ट अब हो गया कि उन्होंने सिर्फ संवैधानिक परंपराओं की बात की, इसका मतलब कि संवैधानिक परंपराएं रही है और इसको तोड़ने का प्रयास इस बार किया जा रहा है, ये सबने देख लिया स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को तो ज्ञान देना और जब अपने पर बारी आई तो आप जो है उसको तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है वरिष्ठतम सदस्य को बनाने की ये परंपरा रही है, लोकतांत्रिक पद्धति है। जो परिस्थिति है आज उसमें के सुरेश जो है वरिष्ठतम सदस्य है, उनको जरूर बनाया जाना चाहिए। पर किरेन रिजिजू ने यही कहा ना कि वो लगातार सांसद नहीं रहे, 2004 में वो हारे, दो बार ऐसे मौके रहे हैं। ये परंपरा को तोड़ने के लिए पुरानी चीजों को ये उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है जैसा कि अभी गिरी जी ने भी कहा कि परंपरा रही और परंपरा को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। संवैधानिक और लोकतंत्र जो है संवैधानिक परंपराओं पर, प्रक्रिया पर और संविधान की रक्षा के साथ उसकी प्रतिष्ठा कैसे बचे उस पर चलता है। इसको लोकलाज की बात है तो वाकई लोकलाज जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन यही लोकलाज है जो इस प्रक्रियाओं के माध्यम से परिलक्षित होता है। जहां तक बात मुद्दों की है, आपने आज मुद्दा बहुत अच्छा रखा है। सच बात है विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है, विपक्ष जो है इस देश के जनता के मुद्दों को संसद के माध्यम से उठाने का काम करेगी। और पिछले 12 दिनों में 3 गंभीर मुद्दे 1/3 प्रधानमंत्री जो है 1/3 प्रधानमंत्री के 3 सबसे गंभीर मुद्दे 12 दिनों के अंदर आए हैं देश में, सबने देखा है। और ये 3 जनसाधारण के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह शिक्षा को पूरी शिक्षा व्यवस्था को घोटालेबाजों के माफियाओं के हवाले कर दिया गया और जिस तरह पेपर लीक हुआ, आज लगभग यहाँ 1.5 करोड़ परिवार जो है इन शिक्षा माफियाओं के कारण जो है परेशान इस देश में है, उन पर विपक्ष गंभीरता के साथ चर्चा और चाहता है कि कार्रवाई हो, जिम्मेवारी तय हो। शिक्षा प्रधानमंत्री ने बोले धनंजय गिरी, यहाँ पर ना सिर्फ संख्या बल अधिक विपक्ष की है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इनके पास इस बार होगी जो पिछले 10 साल से खाली है, और मुद्दे भी उतने ही मजबूत तरीके से, जिस वक्त देश इस वक्त इन मुद्दों से घिरा हुआ है, आक्रोश है जनता में। पूजा जी, सबसे मजेदार बात यह है कि 2004 में कांग्रेस कहते हैं कि लोकतंत्र की, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि लोकतंत्र का तो उनके लिए है ही नहीं, लोक और लाल उनके वो लोग पर भरोसा है, न तंत्र पर, न लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग हैं वो, आप इसलिए 2004 का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। और तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री को 1/3 प्रधानमंत्री कहना लोकतंत्र का और इस देश की जनता का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। तो 154 सीट जीत करके आप 2004 में सरकार बनाए और 206 सांसदों के साथ आपने, तो हम क्या आधे सांसद आपने कहते थे, मनमोहन सिंह जी को किसने कहा भाई आप प्रधानमंत्री बनाकर रिमोट से चलाते थे, हमने उसका भी विरोध नहीं किया। तो ये कांग्रेस लोकतंत्र का लोक लज्जा का मजाक उड़ाना, इस देश की जनता का सम्मान करना, अरे खटाखट शपथ लीजिए और फटाफट उनको जवाब दीजिए, जिन लोगों से आपने झूठ बोला है, जिनसे आपने फरेबी की है, जिनसे मुनाफत्र बक्कारी की है, जिसके साथ संविधान बिछाया है, जिसको 1 लाख रुपए का स्पीकर तक नहीं है, अब तो ये विरोध और आवाज स्पीकर पद तक के लिए उठने लगी है। पूजा जी, अगर सिर्फ हंगामा खड़ा मकसद है, लोकतंत्र में सृजनात्मक कार्य आपको नहीं करने हैं, आपको देश का विकास ही सारे समस्याओं का समाधान है, तो कांग्रेस इस बात के लिए कभी नहीं तैयार है। कांग्रेस के कुत्सित मानसिकता ये रही है कि इस देश को हमेशा विखंडित करो। कभी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांटा, उसके बाद बटखारा लेकर के बांटा, उसके बाद 1 लाख का झूठा वादा किया, संविधान को तार तार किया, कितने संशोधन किए, 42वें संशोधन में गलत सेकुलर वर्ड जोड़ा, कांग्रेस ने क्या क्या जुल्म नहीं किया इस देश की जनता पर। लेकिन देश की जनता ने अगर एक बार मौका दिया है कि ठीक है थोड़ा आगे आके देखो, एक रचनात्मक विपक्ष भूमिका निभाओ, अगर कांग्रेस ये भी नहीं कर पाएगी, 2004 का जवाब नहीं दे पा रहे, 2009 का जवाब नहीं दे पा रहे, और कह रहे कि लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानते नहीं।